हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग की जो रिमाइंडर ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया। नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग रिमाइंडर ऐप के नए अपडेट के बारे में। उसके लिए जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की गैलेक्सी स्टोर में जाके देखेंगे तो आपको एक नया अपडेट यहां पर अवेलेबल मिल रहा होगा, जो कि आप देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 8 मई मतलब कल के दिन इस अपडेट को रोल आउट किया गया है, जिसका वर्जन नंबर है 12.4.04.17 एंड देन साइज है इसका 25 MB का। ये अपडेट है, जब तक कर लेते हैं पहले अपडेट। यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या नए चेंजेस किए गए, सैमसंग सिंक्रोनाइजेशन व्हेन डिसमिसिंग नोटिफिकेशन बिटवीन गैलेक्सी डिवाइस लॉग इन टू सेम अकाउंट। मतलब कि अगर आपने इसी एक सैमसंग अकाउंट को आपके अपने मल्टीपल सैमसंग डिवाइस में कनेक्ट कर रखा है तो रिमाइंडर ऐप का सिंक्रोनाइजेशन को आप वहां पर डिसेबल कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं, ताकि वही नोटिफिकेशन आपके दूसरे मोबाइल पे नहीं आए तो आप उसको यहां पर स्टॉप कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर ये वाला दिया गया है। उसके बाद नीचे दिया गया है सेलेक्ट वेदर टू शो रिसेंट सर्चेस। मतलब कि आपने अगर कोई सर्च करते हैं रिमाइंडर ऐप में तो वो सर्च शो हो या ना हो आप उसको हाइड और शो कर सकते हैं। कैसे काम करेगा वो आपको बताता हूं। सबसे पहले कर लेना है इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ 3 डॉट्स पे, यहाँ जाना है आपको रिमाइंडर की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद ये वाला फीचर आपको यहाँ पर मिलेगा, डिसमिस अलर्ट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस करके, जो कि पहले नहीं आता था अब आपको यहाँ पर शो हो गया है। व्हेन यू डिसमिस द अलर्ट ऑन दिस फोन इट्स विल बी डिसमिस्ड ऑन ऑल अदर डिवाइसेस। मतलब कि अगर मान लो कोई रिमाइंडर आया और आपने इस मोबाइल से उस रिमाइंडर को ऑफ कर दिया तो वो किसी और डिवाइस पे जिस पे सैमसंग अकाउंट लॉगिन है तो वहां पर वो बचेगा नहीं, मतलब अलर्ट नहीं देगा। तो ये फीचर सबसे पहला यहां पर दिया गया, जो कि बहुत ही काम फॉर यूजफुल है। अगर आपके पास मल्टीपल सैमसंग अकाउंट है तो ये फीचर आपके लिए बहुत काम आएगा। मल्टीपल सैमसंग अकाउंट या मल्टीपल आपके सैमसंग के गैलेक्सी मोबाइल्स है तो ये आपका बहुत काम आएगा। उसके बाद जो सेकंड फीचर दिया गया है वो सर्च का है। अगर मान लो आप यहाँ पर मान लो ये मैंने सर्च मारा हेलो, या जो भी आपने यहाँ पर सर्च मारा हुआ है ये आपको दिख गया होगा, आपने यहाँ सर्च मारा और आपको यहाँ पर दिख रहा है पेंडिंग में, से बंद कर दें तो ये पेंडिंग में दिखता है। सर्च हिस्ट्री आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रही है तो आप नहीं चाहते कि इसमें कोई भी सर्च आपको दिखे या किसी को दिखे कि आपने इसमें क्या सर्च करा है क्या नहीं करा, तो इसको आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। आपको 3 डॉट्स में जाना है, यहाँ सर्च सेटिंग में जाना है तो अब आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा सर्च सेटिंग पे, शो रिसेंट सर्चेज ऑप्शन। आप इसको ऑफ कर देंगे तो वो सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखेगा, या फिर जो भी सर्च किया होगा वो आपको वहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो यही 2 नए फीचर इसमें ऐड ऑन किए गए थे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों जो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आप लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वही डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दिया करो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।